चीन जो के हमारा बड़ा वो कहते हैं ना, डीपर देन द ओशन एंड हायर देन हिमालयाज एंड स्वीटर देन हनी वाला यार है, उसने इस मुश्किल वक्त में जबकि इंडिया और चाइना के मामलात खराब थे, 2021 में जो बायलैटरल ट्रेड है वो 114 अरब डॉलर क्रॉस कर गई है, जबकि कहा जाता है कि 2000 में कुछ बिलियन के करीब थी। और अभी इस सारे क्राइसिस में ये जो लद्दाख वाला हुआ था, 44% उनकी जो ट्रेड है वो बढ़ी है, और साथ ही यूएई के साथ उन्होंने 100 अरब डॉलर का कहा कि हम इसको आगे लेके जाएंगे। और आपको मैंने बताया था कि सऊदी अरब के जो लैंड कमांडर आए थे वहां पे, और वो जो 1971 वाली वो जो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, ये किस तरफ चीजें जा रही हैं। चीन और इंडिया ने तो फैसला कर लिया है कि हमने कारोबार करना है और लड़ना भी है। हमने क्या फैसला किया हुआ कि हमने सिर्फ लड़ना है? अमेरिका और चीन भी ये फैसला कर चुका है कि हमने कारोबार भी करना है और कंपटीशन भी करना है। ये मैंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, मैंने खुद उनसे सुना, उन्होंने कहा जी कि हम कोऑपरेशन एंड कंपटीशन दोनों करना चाहते हैं। हमने क्या किया, हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, ना कंपटीशन हम कर रहे हैं और ना हमसे लड़ाई हो रही है। तो ये तारड़ साहब, यूएई, सऊदी अरब और चीन का जो भारत की तरफ झुकाव है, ये तो फिर कश्मीर का मसला तो सारा हमारे कंट्रोल से खत्म हो गया, क्योंकि अब तो अरबों डॉलर की ट्रेड हो रही है, तो हम तो उस किसी कैलकुलस में आते नहीं है वहां पे फिर। बल्कि सबसे इससे भी बड़ा मसला तो ये था, मैं हैरान था जब यूएई ने इतने बिलियंस डॉलर का वहां पैकेज साइन किया था कि कश्मीर को डेवलप ही वो करेंगे, तो उन्होंने सारा इसका सारा कुछ ही खत्म कर दिया था उन्होंने बिल्कुल ही। और बल्कि इसमें हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक डायलॉग ये चल रहा है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट, क्योंकि देखें आप जिस तरह कह रहे हैं कि इस वक्त ट्रेड आगे कोविड के बाद जिस तरीके से इकॉनमीज दुनिया की वो एक चैलेंजेस उनके आए हैं, तो आप किस तरह इकॉनमी इंप्रूव करेंगे? आपकी स्पेशलिटी तो सिर्फ कर्जा मांगना है, और तो आपकी स्पेशलिटी में तो कुछ भी नहीं है। आप ना बिजली है वहां पे, ना आप बिजली आपकी इतनी सस्ती है कुछ बन सके, ना पेट्रोल है, और 140 नंबर आपका करप्शन में है। आप देखें जिस आप चाइना वहां पे आए, $26 बिलियन आप उनका खा गए करप्शन में। मैं आई वाज शॉक, मैं हैरान था कि जरदारी साहब के कहते हैं 4 दिन रह चुके थे अपने पीरियड में, तो उस 4 दिनों के अंदर भी वो चाइना का ट्रिप लगाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा जी माफी दे, अगले अगल तो से बहुत पैसे देते हैं अगले नु देंगे। तो 26 बिलियन आप खा गए चाइना का ओवर बिलिंग में और करप्शन में। तो मेरा आप किस तरह आप मेरा मकसद आप खुद इस काबिल ही नहीं है। मैंने आपको अर्ज किया, आप कहते हैं कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, आपकी सड़कें चाइनीज बनाते हैं, सड़कें आपके कोरियन बनाते हैं, आपकी लेबर दुबई में मार खा रही है, सऊदी अरेबिया में मार खा रही है, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, ये आपकी पॉलिसीज है, आप क्या बेचेंगे? मैं वही तो आपको मैंने अर्ज की ना कि खान साहब बसद शौक जाए रशिया, ठीक है, लेकिन एक मिनट के लिए जरा सोचें कि खान साहब पुतिन से क्या बातें करेंगे, कितनी दफा बार बार पूछेंगे और सुनाओ जी की हाल है, नमक क्या, कितनी दफा पूछेंगे बच्चे ठीक ने थोड़े, क्या बात करेंगे उनसे, क्या पाकिस्तान की इस वक्त अगर सोचा जाए, व्हाट पाकिस्तान कैन एक्सचेंज, व्हाट पाकिस्तान कैन ऑफर टू द वर्ल्ड। मेरे मेरे लिए के क्वेश्चन, मेरी ख्वाहिश है, मैं मेरी मादरे मिलत है, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कुछ प्रोड्यूस करे, अपने पाओ पे खड़ा हो और इमेज चेंज हो उसका। अमेरिका में हम सोचते रहे हैं पाकिस्तान का इमेज साफ करो पाकिस्तान, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान का नाम आता था सिर्फ वही चीज सामने आती थी, दहशतगर्दी, बम ब्लास्ट, दहशतगर्दी, डबल गेम पहले, लेकिन उसको इमेज को साफ वो भी नहीं हुआ।